हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज फाइनली मैं अब्रॉड एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूं आप सब लोगों के साथ। मतलब कैसे मैं अब्रॉड गया, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी, कहाँ कहाँ हाथ पैर मारने पड़े, ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा आपको अपने इस वीडियो में। और ये है कंटिन्यूएशन मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के वीडियोस का, जिसमें मैंने अपना 3 साल का होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बताया था, अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बताया था, मेरा प्लेसमेंट एक्सपीरियंस होटल मैनेजमेंट के कॉलेज के साथ, और मेरा फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस मैं अभी तक बता चुका हूँ। तो यार, अपने अब्रॉड एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले एक और चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन केस अगर आपने होटल मैनेजमेंट इंस्टॉल करना है और आप IHMs को टारगेट कर रहे हैं, तो यू नीड टू साइन अप विद ग्रेड अप। ग्रेड अप एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनका अपना यूट्यूब चैनल है, इनकी अपनी वेबसाइट भी है। यूट्यूब चैनल पे ये बहुत सारी प्रिपरेशंस करवाते रहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट करिए, वहाँ पे इनके अपने कोर्सेज हैं, वहाँ पे मिल रहे हैं बहुत ही हैवी डिस्काउंट ऑफ अप टू 40%, जहाँ पे ये NCHM JEE की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो फटाफट जाके साइन अप कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया, ऑफलाइन क्लासेस आप कहीं पर शायद ना ले पाएँ। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए ग्रेड अप की वेबसाइट पे जाके अभी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बात शुरू होती है वहीं से जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो छोड़ा था, जहाँ पे मैं मतलब फर्स्ट जॉब कर रहा था एंड आई वाज नॉट रियली हैप्पी विद माय फर्स्ट जॉब। उसका रीज़न भी मैंने उस वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ कि होता क्या है ना, जब आपको एक अच्छी जॉब मिल रही होती है और आप उसे छोड़ के एक नॉट सो अच्छी जॉब में चले जाओ, तो यू विल डेफिनेटली फील लाइक कि आप और अच्छा डिजर्व करते हो। और यही मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक कंपैरेटिवली अच्छी जॉब को छोड़ के, जिसका मेरे को ऑफर लेटर मिला था, मैंने एक उतनी अच्छी जॉब नहीं ज्वाइन करी थी, जिस वजह से मैं अपने ऑप्शंस तलाश करना शुरू कर चुका था। और मैं सोचा था यार, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलूँ, किसी दूसरी जॉब पे जाऊँ या फिर कहीं और किसी और होटल में जाऊँ। तो हुआ ये कि मेरे 4-5 महीने उस होटल में कंप्लीट हो चुके थे, उसके बाद मैंने 10 दिन की करीब छुट्टी ली, क्योंकि मेरी सिस्टर की वेडिंग थी। तो वो जो 10 दिन की छुट्टी थी, उसी बीच मैंने एक कंसल्टेंट को अप्रोच भी किया था, तो उन्होंने बताया कि उनका एक इंटरव्यू होने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने डेट वगैरह मुझे बता दी थी। तो जिस दिन इंटरव्यू होना था, तो उस दिन इंटरव्यू के लिए चले गए। अब वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए, तो वहाँ तो भीड़ भड़ाका हो रखी है पूरा, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रखे थे। वो लोकल ही कंसल्टेंट था देहरादून का, और उस पर बहुत भीड़ हो रही थी। उस समय तो देख के लग रहा था पता नहीं भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस चले गए इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इंटरव्यू में नंबर आया, इंटरव्यू में बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, तो यार इंटरव्यू तो बढ़िया चला गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर वहाँ से चले गए थे हम वापस अपने होटल, और यार होटल जाने के बाद ना, मतलब मन सा लगना ख़त्म हो गया वहाँ पर, कि ये लग रहा था, हमेशा यही लगता रहता था कि यार आई डिज़र्व बेटर, और मुझे और एफर्ट करने चाहिए और जगह के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। इन तरीके की चीज़ें ना दिमाग में घूमने लग गई, और जब इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लग जाती हैं, तो आपका काम में मन लगना बंद हो जाता है। और इस प्रकार मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मैं और जगह बहुत सारे हाथ पैर मारने लग गया, मतलब पूरे जितने लोकल के कंसल्टेंट्स थे देहरादून में, सब जगह मैंने छान मारे। उसके बाद दिल्ली वैली में जितने थे, सबको कॉल वॉल करके पूछ लिया कि कब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सब जगह पता कर लिया। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया कि भैया JW Marriott मार्किज़ दुबई के लिए इंटरव्यू है मुंबई में। तो जब उस प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करी, तो पता लगा वो तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट होटल्स, वो तो वर्ल्ड में नंबर 1 ट्विन टावर होटल है। अब कौन नहीं उस होटल में जाना चाहेगा यार। तो हमने सोचा चलो भाई मुंबई चलते हैं। फिर हमने कराई ट्रेन की टिकट्स बुक और पहुंच गए मुंबई। मॉर्निंग मुंबई पहुंचे, दिन में हमारा इंटरव्यू था, और हम इंटरव्यू की जगह पे वीरा इंटरनेशनल वॉज द कंसल्टेंट जहाँ हमें जाना था, वहाँ उनके ऑफिस पहुँचे। वहाँ भी भीड़ भाड़ इतनी हो रखी थी कि क्या ही बोलूँ, पर हम जैसे इतने दूर से बहुत कम ही लोग आ रखे थे, बाकी लोग वहाँ लोकल के आसपास के ही थे। तो भाई नर्वसनेस होने लग जाती है जब इतनी भीड़ देखते हो, इतना वो होता है। मैंने कहा चलो देख लेंगे। फिर मेरा नंबर आया इंटरव्यू का, तो मैं अंदर गया। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और इंटरव्यू वेंट वेल, मतलब मैंने मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे। इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन मेरा अच्छा गया था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। फिर उसी समय जो इंटरव्यू मेरा ले रहे थे, उन्होंने मेरे CV में देखा और उन्होंने बोला कि यू डोंट हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला सर आई हैव ओनली 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी F&B सर्विस के लिए, उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी था। तो मैंने बोला कि यार इंटरव्यू तो अच्छा ही गया है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आंसर्स नहीं दिए हैं, सब कुछ ठीक ही जा रहा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि यार वो डायरेक्ट HR नहीं थे जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, वो वीरा इंटरनेशनल के कंसल्टेंट्स ही थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, और उनको सारे स्टूडेंट्स में से कैंडिडेट स्क्रीन आउट करने थे, और उसके बाद ही वो HR इंटरव्यू लेता जो स्क्रीन कैंडिडेट्स थे। और उन्होंने ये भी बोला कि एक बार कोई HR डायरेक्टली इंटरव्यू देता तो शायद वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट, बट बिकॉज वो एक कंसल्टेंट ही थे तो वो कुछ उसमें कर नहीं सकते थे, उनको जो चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसके बेसिस पे उन्हें स्क्रीन आउट करना था। तो इस तरीके से अपना
इंटरव्यू हो गया था ख़त्म और अपने हाथ आई केवल मायूसी। फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड का इंटरव्यू हुआ, उसका इंटरव्यू बढ़िया चले गया था, उसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उसे इनफ एक्सपीरियंस भी था, उसको नॉलेज भी सही थी और उसको हाउसकीपिंग में जाना था, तो उसका सिलेक्शन हो चुका था और फाइनली हम वापस चल दिए देहरादून की तरफ। अब वो तो खुश था बट मैं बहुत मायूस था, तो उसने मेरे को मतलब कंसोल करने की कोशिश करी कि यार कोई नहीं, हम और कंसल्टेंट्स की तरफ जाएंगे, उनसे पता करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और इंटरव्यूज देंगे। पर मेरे दिमाग में चल रहा था यार, उसकी कुछ बातें थी ना जो कंसल्टेंट ने मुझे बोली थी, उसने बिल्कुल सही बोली थी। उसने कुछ बातें एक्चुअली बोली थी कंसल्टेंट ने, जैसे कि मेरे को एक तो पूरा एक्सपीरियंस नहीं था, केवल 6 महीने का एक्सपीरियंस था, साथ ही साथ उसने ये भी मुझे बोला था कि अगर मेरा एक्सपीरियंस एक बारी को मैरियट के साथ ही होता, क्योंकि वो मैरियट की प्रॉपर्टी है और केवल मैरियट के साथ ही मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस होता, या फिर मेरा ओबरॉय ताज जैसे बड़े होटल के साथ भी एक्सपीरियंस होता, तो एक बारी को वो कंसिडर कर लेता। तब मेरे दिमाग में यही घूमने लग गया कि यार मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, एटलीस्ट जॉब करता रहता, 1 साल कंप्लीट करता तो मैं फिर आगे अप्लाई करता, अब फिर किसी नए होटल को ज्वाइन करूँ जो बड़े ब्रांड का भी हो, स्टिल मेरा क्या हो जाएगा कहीं, और अगर मैं 6 महीने बाद कहीं अप्लाई करता हूँ तो वो बोलेंगे तुमने 6 महीने में होटल चेंज कर दिए, और अगर पूरा 1 साल करूं तो मेरे को 1.5 साल बाद मैं कहीं शायद अप्लाई कर पाऊं। तो यही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है, ब्लैंक था टोटली। फिर मुझे जब मैं वहां से वापस ही आ रहा था, उस समय मुझे एक कॉल आया जो कि था मेरे लोकल कंसल्टेंट का, जिसमें मैंने पहला इंटरव्यू दिया था। उसने बोला कि यार आप अभी हो कहाँ, तो मैंने बोला मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उसने कहा कि यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लो। भाई मैं बता नहीं सकता हूँ मतलब उस समय मुझे क्या फीलिंग आई, मतलब टोटली चेंज हो गया मेरा दिमाग का, वो एक समय में थोड़ी देर पहले ही ऐसा बिल्कुल ब्लैकआउट हो रखा था, ब्लैंक हो रखा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, और अभी एक पूरी एक होप दिख रही थी आगे कि भाई यार सिलेक्शन हो चुका है, एकदम से इतनी खुशी आ गई थी ना भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर मैं फटाफट जब हम घर पहुँचे, मैं नेक्स्ट डे उस कंसल्टेंट के पास गया, मैंने अपनी फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट करी, जो भी साइन वाइन करने थे वो सब कुछ करके दे दिए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मुझे मेडिकल करवाने जाना होगा, दुबई वगैरह के मेडिकल जो होते हैं उसमें आप लोकली कहीं से भी करवा सकते हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, लेकिन जो बहरीन का मेडिकल था वो आपका दिल्ली जाके ही होना था, तो मुझे वो दिल्ली जाकर मेडिकल करवाना पड़ा जो कि गामका का मेडिकल होता है। मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट्स अपने कंसल्टेंट को दी, कंसल्टेंट ने वो आगे फॉरवर्ड करी और कुछ दिन बाद फाइनली मेरी एयर टिकट्स आ चुकी थी। जब वो एयर टिकट मेरे हाथ में आई ना भाई, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था, रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ये सही में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी फ़्लाइट टिकट थी 3 सितंबर की, और साथ में ही यहाँ लोकल से एक बंदा भी मिल गया था जिसने सेम ही जगह जाना था, बहरीन में सेम होटल में जाना था, तो वो साथ में मिल गया, मैंने कहा चलो साथ में कोई जाने वाला मिल गया, और फाइनली 3 सितंबर को मैं बहरीन पहुँचा। बता नहीं सकता हूँ यार क्या फीलिंग थी, मतलब कि वो होता नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट में बाहर नाम लेके वो हिलाते रहते हैं बोर्ड सा, तो वो हमारे लिए भी हो रहा था, और वो एक अजीब सी फीलिंग थी। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले ना भाई, इतनी तगड़ी गर्मी हो रही थी मैं बता नहीं सकता हूँ। एक्चुअली आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा बट गल्फ़ कंट्रीज़ का जो समर सीज़न होता है वो स्टार्ट होता है जुलाई के एंड से और लगभग अक्टूबर के एंड तक वो समर्स जाती हैं, और उस समय में भाई भीषण गर्मी पड़ रही होती है, मतलब कि ये समझो 50 डिग्री, 50 डिग्री से ऊपर ही पड़ रही होती है। तो जब मैं बाहर निकला ना एयरपोर्ट से, तो सब कुछ ऐसा दूर से लगता नहीं कि उबल रहा है, उस तरीके से लग रहा था। काश यार वो फोटोज़ वगैरह मैं आपको दिखा पाता, वो वीडियोज़ वगैरह जो भी मैंने ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन ख़राब हुए और फ़ोन के साथ वो सारा डाटा भी चले गया। फिर हम पहुंचे होटल, होटल में हमारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब कुछ हुई डन, नेक्स्ट डे से हमें ज्वाइन करना था। खैर तो यार जो हमें रूम मिला हुआ था वो रूम एक्चुअली कहीं बाहर कहीं नहीं था, वो होटल के अंदर ही था, मतलब होटल का ही एक रूम हम लोगों को मिला हुआ था जिसमें 3 लोगों ने रहना था। मतलब बहुत कम ऐसे होटल्स होते हैं जो कि अच्छा अकोमोडेशन देते हैं, अकोमोडेशन हर कोई देता है बट इतना अच्छा अकोमोडेशन हर कोई नहीं देता है। तो यार नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी थी, बहुत सारी अलग अलग नेशनैलिटीज़ थी जिनके साथ काम करना था, लाइक नेपलीज, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, फिलिपिनोज, अरेबिक्स, हर तरीके के आपको लोग मिल जाएंगे, इजिप्शियंस भी थे, एक पूरा मिक्स कल्चर वहाँ पर चल रहा था, बहुत मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि यार अपने साथ ये सही में हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप टाइम स्टैम्प कर दो जो भी टाइम अभी हो रहा है, और अपना कमेंट आप आगे लिख सकते हो, आई नो आप क्या लिखने वाले हो बट वो कमेंट आप आगे लिख सकते हो, बट वही है ना कि हमको सब कुछ इतने आसानी से और इतने अच्छे से मिल जाए ये हो कैसे सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग हफ्ते 10 दिन बाद मुझे कुछ पता चला जो कि एक शॉकिंग न्यूज़ थी, वो ये थी कि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ था।
अब क्या फ्रॉड हुआ था वो तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, और ये पार्ट कब आएगा ये तो खैर मैं भी नहीं जानता। चलो एम कर लेते हैं 15,000 सब्सक्राइबर्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा। इन केस अगर वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं शायद उससे पहले भी डाल दूँ। तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।